गुड मॉर्निंग पिला माने, आजिर अध्याय समस्त को स्वागत। आज आम प्रथम अध्याय चतुर्थ पाठ भारत छाड़ो आंदोलन और एड़शार भूमिका विषय पढ़ा। आईन मान्य आंदोलन पर भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होता एवं से भारतर कौन भूमिका थी और ओडार कौन भूमिका थी से विषय आम अवगत हवा ये पाठ। तो भारत छाड़ आंदोलन थिला ब्रिटिश शासन विरोध में महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन। महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन कौन थिला ना भारत छाड़ आंदोलन। एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बुझल। भारतीय स्वाधीनता संग्राम सम्राट महात्मा गांधी यह आंदोलन मध्यम इंग्रेज सरकार को भारत छाड़ा आह्वान करते। अगस्त मस गण आंदोलन तीव्रता और व्यापकता एत अधिक इतिहास रे यहा अगस्त विप्लव नाम परिचित है। बुझिपाल कौन कहला अगस्त मस जो गण आंदोलन कि भारत छाड़ आंदोलन तीव्रता और व्यापकता एत अधिक इतिहास अगस्त विप्लव नाम परिचित है। क्वेश्चन पड़ एक मारिकिया अगस्त विप्लव क्या कहा जाए कौन कह ना अगस्त मस भारत छाड़ आंदोलन को अगस्त विप्लव कहा जाए। सिंगल लाइन में आंसर कर तापरे कौन कौच आंदोलन पृष्ठभूमि केबे आंदोलन स्टार्ट होता 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 3 तारीख में ब्रिटिश सरकार जर्मानी विरोध में युद्ध घोषणा करने द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध केबे आरंभ होता 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 3 तारीख में बुझिपाल यहाँ भी एक मिनिका क्वेश्चन पड़ो। यह सहित आरंभ होता भारतीय स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय से ही समय बर्लाट लॉर्ड लिनलिथगो जातीय कांग्रेस किंबा भारतीय नेतृवृंद सहित कौनसी आलोचना नक द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को मित्र शक्तिर पक्षभुक्त कराई थे। 1939 सेप्टेम्बर 14 तारीख में जातीय कांग्रेस एक प्रस्ताव ग्रहण कला जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार भारतीय को निजर संविधान प्रणयन करने निम्ते पूर्ण क्षमता न देइछंती एवं एक जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करने सम्मत न होइछंती से पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कौनसी प्रकार साहाज्य प्रदान करिबे नाही। ब्रिटिश सरकार जातीय कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दाबी को ग्रहण नक भारत को केवल स्वायत्त शासन अधिकार दिया बोली घोषणा कले। 1939 मसीहा अक्टोबर 22 तारीख में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में सरकार घोषणा को दृढ़ निंदा करने संगे संगे प्रतिवाद स्वरूप 8 प्रदेश में अवस्थापित कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तफा देवाई निर्देश देले। इतिमध्ये द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ समय रे जर्मानी त्वरित बेगरे सफलता हासिल करी इंग्लैंड आक्रमण करने अग्रसर है। इंग्लैंड रे जटिल परिस्थिति दृष्टि गांधीजी तांक मनोभाव कोहल कले। जातीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी दुईट सर्त ब्रिटिश सरकार को साहाय्य करने निष्पत्ति नेला। प्रथम सर्त युद्ध समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करिबे और द्वितीय तत्क्षणात समस्त दलर प्रतिनिधि को नहीं भारत में एक अस्थायी जातीय सरकार अवस्थापित करिबे। बुझिपाल कौन कहला जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मानी जीति माने समस्त को हरईकी इंग्लैंड आक्रमण करने अग्रसर है से इंग्लैंड जटिल परिस्थितिर सम्मुखीन है। से जातीय कांग्रेस कार्यकारी कमिटी दीटा शर्त ब्रिटिश सरकार को साहाय्य करने निष्पत्ति देले। प्रथम शर्त थिला युद्ध समाप्ति परे ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करिबे एवं द्वितीय थिला तत्क्षणात समस्त दलर प्रतिनिधि को नहीं भारत में एक अस्थायी जातीय सरकार अवस्थापित करिबे। एटा दुई मार्किया क्वेश्चन परीक्षा आसी पारे कौन शर्त रखी थिले इंग्रेज मानंकु साहाय्य करिया द्वितीय युद्ध रे भारतीय माने बुझिपाल। प्रथम सर्तटी हूँ भारत को पूर्ण स्वाधीनता द्वितीय सर्त कौन थी ना अस्थायी जातीय सरकार अवस्थापन करिबे। बुझिपाल इंग्रेज सरकार भारतीय मानंकु केतेक सुविधा देवा निमन्ते 1940 मसीहा अगस्त 8 तारीख में एक घोषणा जारी कले। अगस्त दान कहा जाए
1940 अगस्त 8 रे इंग्रेज सरकार भारतीय को केतेक सुविधा देवा पई घोषणा कले एहाकु कोन कहगला ना अगस्त दान कहगला एथिरे दिया जाइतिबा सुविधा गुडी कथिला भारत को स्वायत्त शासन क्षमता भारतर संविधान प्रणयन पई संवैधानिक सभा गठन समस्त राजनैतिक दलर प्रतिनिधि को अंतर्भुक्त करी बल्लाट को कार्यकारिणी परिषदर प्रसारण ब्रिटिश शासनाधीन भारत और भारतर देशीय राज्य मानकर प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्श दाता परिषद गठन एवं भविष्य में सांविधानिक परिवर्तन रे संख्यालघु मत प्रति गुरुत्व प्रदान बुझिपाइल एही घोषणा को कांग्रेस और मुस्लिम लीग उभय संगठन प्रत्याख्यान करिथिले एहा परे गांधीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले कौन कहिले स्वायत्त शासन क्षमता इंग्रेज माने देले भारतर संविधान प्रणयन पई संवैधानिक सभा गठन करिया पई कहिले समस्त राजनैतिक दल प्रतिनिधि को अंतर्भुक्त करी बल्लाट को कार्यकारिणी परिषदर प्रसारण करिया पई कहिले ब्रिटिश शासनाधीन भारत और भारतर देशीय राज्य मानक प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन एवं भविष्य में सांविधानिक परिवर्तन रे संख्यालघु मत प्रति गुरुत्व प्रदान किंतु जिते भी एगुड़ा सब इंग्रज माने सब घोषणा कले एगुड़ा को सब कांग्रेस सरकार कौन कले प्रत्याख्यान कले कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रत्याख्यान कले यहाँ गांधीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले एथिरे प्रथम सत्याग्रही हेबार सौभाग्य अर्जन करिथिले विनोबा भावे नामक जने महिला थिले जिए कि एही सत्याग्रह रे प्रथम सत्याग्रही हबार सौभाग्य अर्जन करिथिले बुझिल से 1940 अक्टोबर 17 रे पानाउठारे तांको सत्याग्रह आरंभ करिथिले से गिरफ हेबा परे जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही भावे एही सत्याग्रह रे योगदान कले एवं गिरफ हेइथिले अति शीघ्र देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलिला गांधीजी एही सत्याग्रह को सीमित रखिबा को चाहिथिले किंतु डिसेंबर 1941 सुधा प्राय 25,000 रु ऊर्ध सत्याग्रही गिरफ होइथिले एही व्यक्तिगत सत्याग्रह समग्र विश्व को विशेष भाव प्रभावित करिथिला अमेरिका चीन और ऑस्ट्रेलिया भारतीय मानकर दाबी को ग्रहण करिनेबा पई ब्रिटिश सरकार को उपरे चाप पकाइथिले एहा व्यतीत इंग्लैंड रो जनसाधारण मध्य भारतीय मानकु किछि सुविधा देबा सपक्ष रे थिले इंग्लैंड रो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल 1982 मसिया मार्च रे तांको मंत्रिमंडल र सदस्य सार स्टापोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व रे एक प्रतिनिधि दल भारत को पठाइले एहा क्रिप्स मिशन नाम रे परिचित हला कोन कले ना इंग्लैंड तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल 1982 मसिया मार्च रे तांको मंत्रिमंडल र सदस्य सार स्टापोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व रे एक प्रतिनिधित्व दल भारत को पठाई थिले जेहेतु स्टापोर्ड क्रिप्स को हिसाब रे से दल आसी थिला एहा क्रिप्स कमिशन नाम रे परिचित हला बा क्रिप्स मिशन नाम रे परिचित हला एही मिशन प्रस्ताव देला जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य रे एक अंश रूप रे स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो भारतवासी निज पई संविधान प्रस्तुत करिवार अधिकार पाइबे किंतु कोनोसी प्रदेश जदि से संविधान ग्रहण न करे तेबे सेही प्रदेश निज पई गोटिए पृथक संविधान तयारी करि परिबो भारत को खंड विखंडित करी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दृढ़ करिवार उद्देश्य भारतीय माने भलो भाबरे बुझि परिले तेनु क्रिप्स मिशन रही प्रस्ताव को सब दल प्रत्याख्यान कले ताले क्रिप्स मिशन भी दुई मार्किया क्वेश्चन पड़ो पचारिबो क्वेश्चन ने क्रिप्स मिशन रो उद्देश्य कौन थिला तमे कौन लेखिबो एही मिशन प्रस्ताव देइतिला जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य रे एक अंश रूप रे स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो भारतवासी निज पई संविधान प्रस्तुत करिवार अधिकार पाइबे किंतु कोनोसी प्रदेश जदि से संविधान ग्रहण न करे तेबे सेही प्रदेश निज पई गोटे पृथक संविधान तयारी करिवो भारत को खंड विखंडित करी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दृढ़ करिवार उद्देश्य भारतीय माने भलो भाबरे बुझि पारिथिले तेनु क्रिप्स मिशन रो एही प्रस्ताव को सबु दल प्रत्याख्यान कले ता छड़ा द्वितीय विश्वयुद्ध जोगु देश नैराश्य अशांति और दारिद्र मध्य गति करूला यही सब अनिश्चितता और अव्यवस्था भारत को रक्षा करने प्रथम इंग्रेज मान को भारत छाड़ा को पड़ी
कांग्रेस रो नेता माने हृदबोध हला। गांधीजी बुझी पारिले जे इंग्रेज माने समस्त समस्या रो मूल कारण ओ से माने भारत रु विदाय नेले सेगुडी करो समाधान होई जीवो। तेनु ब्रिटिश सरकार को विरुद्ध रे एक बड़ धरण आंदोलन करिया पई से योजना कले। ए विषय रे सिद्धांत नबा परे वार्धा ठारे 1942 जुलाई 6 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत कांग्रेस कार्यकारी कमिटी रो बैठक बसिला। जुलाई 14 तारिख दिन कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नेले जे तुरंत भारत रे ब्रिटिश शासन रो अवसान घटिबा उचित एथिपई भारत छाड प्रस्ताव ग्रहण करा गला। सेथिपई 1942 अगस्त 7 तारिख दिन मुंबई ठारे कांग्रेस रो साधारण अधिवेशन रे सभापति मौलाना अबुल कलाम को तांको प्रारंभिक भाषण रे भारत छाड आंदोलन रो अर्थ व्याख्या करी शांतिपूर्ण और अहिंसा उपाय रे आगामी आंदोलन पई प्रस्तुत रहिया को जनसाधारण को आह्वान कले। जवाहरलाल नेहरू भारत छाड आंदोलन प्रस्ताव आगत कले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एहाकु समर्थन कले। अगस्त 8 तारीख दिन विपुल उत्साह उद्दीपन रे भारत छाड प्रस्ताव को कांग्रेस अनुमोदन कला। गांधीजी देशवासी को उद्बोधन दे कहिले जे स्वाधीनता आमर प्राप्य सेथिपई गोटिए मंत्र अछि कर बा मोर आम मातृभूमि को आम स्वाधीन करिबा किंबा सेथिपई मरिबा बुझि पाइल। तो अगस्त 8 तारीख को मसिया रहितला 1942 मसिया अगस्त 8 तारिख रु भारत छाड आंदोलन रो आह्वान देथिले गांधीजी एवं अन्य नेता माने बुझि पाइल। एवं लास्ट को कहले कोनो आम मातृभूमि को आम स्वाधीन करिबा किबा सेति पाइ मरिबा बुझि पाइल। तो आज आम एतिकी पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे यार कंटिन्यूएशन पढ़िबा माने को सब कार्यक्रम होइतला भारत छाड आंदोलन रे से विषय रे अधिक आलोचना करिबा। आज पाइ एतिकी धन्यवाद।